मांडवी में आज हमारा दूसरा दिन है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सैर करवाऊंगा 140 साल पुरानी मांडवी की सब्जी मंडी, मांडवी की लोकल मार्केट, और आपको लंच के लिए लेकर चलूंगा मांडवी के एक सबसे ज्यादा मशहूर रेस्टोरेंट ओशो रेस्टोरेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये गुजरात सीरीज का 7th एपिसोड है। गुजरात सीरीज के सारे एपिसोड आप स्क्रीन के राइट कॉर्नर में दिए आई के निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले जानिए रुकने के सस्ते और बहुत बढ़िया ऑप्शन जैन धर्मशाला के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मांडवी में आज हमारा दूसरा दिन है और मैं निकलने से पहले आज आपको बता दूं कि कौन सा रूम हमें मिला और कितने रुपए में। ये धर्मशाला है, जैन धर्मशाला के नाम से। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ रुक सकते हैं। आधार कार्ड होना मैंडेटरी है एज पर द रूल्स। क्या रूम है जरा देखिए, और बाहर के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के हैं। ये दो बेड लगी है इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ स्टोरेज की ऑप्शंस हैं अवेलेबल। दो खिड़की लगी है पीछे, जहाँ से पीछे का बड़ा ग्राउंड है उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। सूरज भी इसी तरफ निकलता है, तो अगर ये खिड़की आप खुली रखेंगे तो सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पर आएगी। एक छोटी सी मेरा यहाँ पर है, मैं पूछ रहा था कितने साल पुराना है धर्मशाला, तो बताया गया कि ये करीब 100 साल पुराना पूरा है। तो मतलब करीब 1900 या 1800 कुछ में ये धर्मशाला बनी थी। वही पुराने डबल डोर वाले दरवाजे हैं, वैसी खिड़कियां हैं, लाइटिंग है। और वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ, इंग्लिश सीट लगी है वॉशरूम में, हीटर है पानी गर्म करने के लिए, और प्रॉपर ग्लास सिंक बकेट एवरीथिंग इज अवेलेबल। इतना शानदार रूम विद अटैच बाथरूम, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने में है। ये है सिर्फ 400 रुपए में, 400 रुपीज में मिल रहा है आपको यहाँ रहने के लिए ये ऑप्शन। एसी रूम अगर आप चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल है, सिर्फ 200 रुपए बढ़ा दीजिए, 600 रुपीज में एसी रूम मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी जगह 400 रुपए में, आप अगर आए मांडवी तो यहाँ रुकिए। होटल भी यहाँ ज्यादा महंगे नहीं है, पीछे एक बिल्कुल पड़ोस में सी व्यू होटल है जो 850 रुपए में आपको रूम प्रोवाइड करता है। पर कितना है कि वहाँ आपको सर्विस अच्छी मिल जाएंगी, यहाँ सर्विस का कोई ऑप्शन नहीं है, ना गर्म पानी, ना चाय, ना कॉफ़ी। दो सुबह कोई आदमी आता है जो चाय 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 चलाता है, आप उसको बोलेंगे तो चाय मिल जाएगी 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, 2 चक्कर लगाए उसने हमारे यहाँ पर। तो अच्छा रूम है, अच्छा ऑप्शन है, बुकिंग जब भी आप यहाँ पे आए। जैन धर्मशाला है, मेन मार्केट में है। अभी हम जा रहे हैं ओशो रेस्टोरेंट के लिए। सुबह के 10 बज चुके हैं, ओशो रेस्टोरेंट 11 बजे खुलेगा, तो तब तक चलिए आपको मांडवी के लोकल मार्केट की सैर करवाते हैं। मांडवी का लोकल मार्केट हमारे हिंदुस्तान के किसी भी छोटे कस्बे या शहर जैसा ही है। सड़क के दोनों तरफ अलग अलग तरह का सामान बेचने की दुकानें हैं, और उन्हीं दुकानों के बाहर रेड़ी पर सब्जी बेचने वाले भी नजर आ जाते हैं। सब्जी बेचने वाले सिर्फ सड़क पर ही नहीं, 140 साल पुरानी सब्जी मंडी की बिल्डिंग के अंदर भी नजर आते हैं। कल रात अंधेरा होने की वजह से मैं इस बिल्डिंग को ठीक से देख नहीं पाया था, तो आज थोड़ा वक्त है ओशो रेस्टोरेंट के खुलने में, तो मैं इस 140 साल पुरानी बिल्डिंग को आपको दिन में दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरती से इस इमारत को आज भी मेंटेन किया गया है। सब्जी तरकारी सभी सामान लोग यहीं से खरीदते हैं। ओशो रेस्टोरेंट, ओशो रेस्टोरेंट मांडवी गुजरात के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी का एकदम सही मिश्रण है यहाँ पर। 150 रुपए में अनलिमिटेड खाना आपको खाने में मिलेगा। तो देखिए कैसा है यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सर्विसेज और खाना। लीजिए दोस्तों, पहुंच गया हूँ ओशो रेस्टोरेंट में। जो बुधा का नाम का बार बोर्ड नजर आएगा यहाँ पर, जो मीटिंग गेट है उससे जैसे ही आप एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्लोर पर है जोरबा द बुधा ओशो रेस्टोरेंट। ये जब मांडवी पहुँचते तो उसकी लिस्ट में से एक होता है। तो ये हम लोग भी आए, देखते खाना कैसा है, क्या सिस्टम है, क्यों ये इतना पॉपुलर है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ थोड़ी देर के बाद। पिक्चर में समाना चाहिए।
सब्जियाँ। हाँ पिक्चर में सवाल आना चाहिए तो। जी सूजी। जी जी चटनी। हाँ 4G। हाँ जी 2G 3G 4G सही बोले भैया मुझे 3G 4G और ये 5-6 थी हमारी थाली। इस वक्त हम हैं जोरबा में, था ओशो रेस्टोरेंट मांडवी में। कमाल की चीज़ है क्योंकि इतना सारा वैरायटी एक थाली में मैंने तो कभी नहीं खाया था कि अपने ट्रेडिशनल गुजराती थाली आई है। वहाँ से देखे जलेबी ये सारी ऐसी डिशेज हैं, शायद नाम भी मुझे नहीं पता। मेरी फेवरेट छाछ या लस्सी। चलिए इंजॉय करते हैं, देखते हैं इसके बाद। लीजिए पूरा थाली ओवर और मज़ा आया जिस तरह का आपने सुना था, जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग जब भी मांडवी आ रहे हैं तो ओशो रेस्टोरेंट याद रखिएगा, जोरबा द बुद्धा का बोर्ड सामने लगा है, और जरूर आइए, जरूर खाइए, फुली रिकमेंडेड। नहीं सर प्लीज़ इतना बड़ा बोर्ड लेके कैसे नहीं नहीं प्लीज़ बिजनेस अपनी जगह से सही है। सब बिजनेस बड़े आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ये तो देखिए इतना तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये नीलेश भाई हैं, ऑनर हैं ओशो रेस्टोरेंट के मांडवी में, और आप जब लोग जब भी आप आएंगे नीलेश भाई आपको यहीं पे मिलेंगे। नीलेश भाई थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, खाना खा के तो बहुत अच्छा लगा, और आपने भी हमारी इज्जत की बहुत, आपके लिए भी बहुत अच्छा। हम लोग टच में रहेंगे, कोई मेरा दोस्त कभी भी आएगा तो मैं आपका नंबर दूंगा जरूर से, उनको गाइड करूँगा। इतना सुंदर है। तो नीलेश भाई बर्ड लवर हैं, इन्होंने अपने घर पर देखी जिस तरह से बर्ड्स को फीड करने के लिए बना रखे हैं। एक शेड है, शेड के नीचे सिटिंग स्पेस और वहाँ के लिए पानी और खाना। नीलेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी है ऐसा ये आपने घर पे बना रखा है आपने? हाँ अच्छा अच्छा, तो इनको फील करते हैं आपको तो वहाँ पे। ये कौन सी जगह की फोटो है आपके सारे? ऐसी जगह गाँव में है, यहाँ पे जो बारवी बीच में आते हैं। हाँ 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 वहीं का है। ये जो लेक बना रखा है वहाँ से आते हैं? वही। अच्छा हम जहाँ गए थे थानपुर, थानपुर लेक कहते हैं उसको, ये बारवी
बीच पे जो आते हैं, बीच पे जो आते हैं अंदर मानी के अंदर वही जगह समुंदर के पास है जगह अपना जो स्ट्रॉबेरी में खाना देते हैं अंदर जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा, कितनी दुआएं मिलती हैं इसको, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए घर है इनका, इस घर में हमने स्टैंड बनाकर ऊपर शेड लगा करके बड़ा अच्छा बनाया है। देखिए इसको, अच्छा नीचे गायें भी घूम रही हैं, कितनी चहलता रहती होगी ना वहाँ पे, हर तरफ आवाज़ सुबह 5-4.5 रुपये आते हैं, तो 2-2.5 रुपये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, सब मैं आई करके लिखी मैं आपको सब वीडियो में, बहुत अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच नीरज भाई, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं, बाय। लीजिए दोस्तों, एक अच्छे खाने के बाद अब सैर पे निकलेंगे हम विजय विलास पैलेस, विजय देश भाई से मिलके तो बहुत अच्छा लगा, अगली मंजिल की तरफ चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यकीन मानिए खाना खाने के बाद शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो गई। अब हमने ऑटो वाले को फोन किया जिसने हमें कल धर्मशाला ड्रॉप किया था और विजय विलास पैलेस जाने के लिए निकल गए। कैसा है विजय विलास पैलेस, उसका इतिहास, कौन कौन सी मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड में।